नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज मैं आपके लिए ले आके आया हूं नया ट्रिक, जिसमें कि देखेंगे 2+2=5 किस तरह से होता है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आज तक हम लोग इतना भी देखा, सभी लोग हम लोग का माइंड सेट है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। 2+2=4, 2+2=4, कितना होता है? 4, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे 2+2=5 किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसके लिए नया ट्रिक देखते हैं। हम लोग अभी प्रूफ करेंगे 2+2=5, ठीक है। उसमें भी मैं दो मेथड से शुरू करूंगा, टू मेथड से प्रूफ करूंगा 2+2=5 किस तरह से होता है, ठीक है। टू मेथड से शुरू करूंगा और देखते हैं मेथड वन में क्या है। मेथड वन करूंगा और मैं मनोज कुमार की ओर से, और मेथड वन में देखते हैं क्या होता है, किसे हम लोग प्रूफ करेंगे 2+2=5 होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 20 - 20=25 - 25, ये हो सकता है क्योंकि 20 - 20 किया तो 0 होता है और 25 - 25 किया तो 0 होता है, ठीक है। तो इसको और आगे की ओर एक्सपेंड करेंगे, हम लोग 20 को लिख सकते हैं 5 × 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 × 5 और लिख सकते हैं, और 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 25 को फिर से लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ने 4 को कॉमन ले लिया तो 5 - 5 हो गया, और यहाँ 5 को कॉमन ले लिया तो 5 - 5 हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को कट कर दिया, 5 - 5 5 - 5 को कट कर दिया, तो बच गया मेरा कितना, 4 = 5 हो गया। और अगर 4 को लिख लेते 2+2=5 हो गया, तो ठीक है, 2+2=5 हो गया, 5, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया आपको। क्या किया, यही प्रूफ करना था, 2+2=5 होता है, मैंने प्रूफ कर दिया आपको, ठीक है। और भी मेथड देखते हैं, और भी एक मेथड देखते हैं आपको, सेकेंड मेथड के भी के द्वारा बताएंगे 2+2=5 किस तरह से होता है, किस तरह से आता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिखा -20=-20 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड 20 है, मैथ का है फॉर्मूला है, 2 - 20=-20 इक्वल है दोनों, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड कर दिया, क्या लिखा एक्सपेंड करके, 16 - 36 लिख सकते हैं, 25 - 45 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो इसको -20 आएगा, इसको भी सॉल्व किया तो -20 आएगा, ठीक है। और भी इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 16 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 36 को लिख सकते हैं 4 - 4 × 19, ओके। और 25 को भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 45 को लिख सकते हैं -5 × 9, ओके, लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, एक्सपेंड किया और दोनों साइड जो है 81/9 लिख दिया, दोनों साइड मैंने 81/9 लिख दिया, प्लस कर दिया दोनों साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड मैंने किया है तो दोनों रिजल्ट हमारा जो है इक्वल ही होगा, ओके। और इसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, और इसको मैं बढ़ा दे के, और इसको लंबा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या किए, 4 है, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया यहाँ, और यहाँ 2 से भाग भी कर दिया, तो अगर इसको कट करेंगे तो भी से वही से रिजल्ट आएगा। इस साइड में भी 5/9 है तो 5 × 9 है, इसको 2 से भागा कर दिया, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इतना कर सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं क्या किए हैं, आगे की ओर जब हम इसको देख रहे हैं, इसको डीप में जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये पूरा जो है आ गया है। और यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है 4 है और 2 है, और b जो है 9/2 है, ठीक है। तो इसको जो है a माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे a के जगह 4 है और b के जगह 9/2 है, और इसमें देख रहे हैं तो a के जगह 5 है और b के जगह 9/2 है। इस फॉर्मूला में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स ट्रिक है और एलजेब्रा ट्रिक है, और एलजेब्रा का फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये जो है स्क्वायर रूट ले लिया तो ये दोनों हट जाएगा, और यहाँ हो गया 4 - 4 - 9/2 = 5 - 9/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे की ओर क्या करना है, यहाँ पे ये 9/2
ये भी इस साइड भी है, इस साइड भी है, दोनों साइड कट कर दिया, कट कर दिया, 9/2 को हटा दिया, तो यहाँ निकल गया 4, 4 इक्वल टू 5 निकल गया, आराम से निकल गया, ठीक है। और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं 2+2, और यहाँ 5 है, 2+2 इक्वल टू हो गया 5। यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने प्रूफ कर दिया 2+2 इक्वल टू 5, जो कि मैंने कर दिया, सेकेंड मेथड से भी कर दिया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको इसमें कुछ नजर आया, आपको इसमें पता चला कि मैंने क्या मिस्टेक किया, कहाँ किस स्टेप में मिस्टेक किया, डिड यू फाइंड आउट एनी द मिस्टेक, नहीं पता चला आपको, पता चला नहीं पता चला, तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ किस स्टेप में हमने गलती किया, किस स्टेप में मैंने गलती किया यहाँ पे, ठीक है, किस स्टेप में गलती किया मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड में मैंने यहाँ पे 2+2 इक्वल टू 5 प्रूफ किया था, यहाँ किस स्टेप में गलती है आप देखिए, नजर कीजिए, गौर कीजिए, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे मैंने इस स्टेप में गलती किया था, क्या मिस्टेक किया था इस स्टेप में, यहाँ पे है मैं 5-5 और यहाँ है 5-5, 5-5 को करते हैं माइनस करते हैं, ये होगा 0 और 0 इधर भी 0, और मैंने यहाँ पे कट किया, ये दोनों को क्या किया था, कट किया था, जो कि मैथमेटिकल रूल के अनुसार इनवैलिड है, मैं इन दोनों को कट नहीं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि अगर कट किया तो यहां पे 0 होगा और इधर भी 0 होगा, और 0 को मैं कभी भी दोनों साइड में कट नहीं कर सकता हूं, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो 0 को एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं तो क्या होगा, ये अगर 5-5 किया तो 0 होगा, ठीक है, और यहां 5-5 किया तो 0 होगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो 4 × 0 5-5 × 0, तो दोनों साइड 0 से अगर गुना करेंगे तो 0 = 0 हो जाएगा। यही मिस्टेक किया था मैंने, इस स्टेप में मिस्टेक किया था, जो कि नहीं करना था, ठीक है। और सेकेंड मेथड में मैंने क्या मिस्टेक किया वो भी देखते हैं। सेकेंड मेथड यहाँ पे था, सेकेंड मेथड में मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, किस स्टेप में मिस्टेक किया देखिए, आप भी सोचिए, नहीं सोचे मैं दिखा रहा हूं, क्या मिस्टेक किया, किस स्टेप में मिस्टेक किया, मैंने इस स्टेप में मिस्टेक किया। जब भी हम लोग किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो आइदर प्लस में आएगा आइदर माइनस में आएगा, जो कि मैंने यहां पे नहीं किया। यहां पे जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे किसी का निकालेंगे तो वो तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। अगर प्लस माइनस में होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगर प्लस माइनस में आएगा इसका जो वैल्यू निकलेगा प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। क्या निकला इस स्टेप में, प्लस और माइनस में, और ये प्लस और माइनस में इसका मतलब यही हुआ, ये जो है सुटेबल है, आइदर ये प्लस के लिए सुटेबल है आइदर माइनस के लिए सुटेबल है, या तो प्लस के केस में इसका सही आंसर निकलेगा नहीं तो माइनस के केस में सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर इसको आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा माइनस, और इसको अगर सॉल्व किया प्लस माइनस 0.5 होगा, ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया तो, ठीक है। इसमें कौन सा वायलेट है, या तो प्लस वाला वायलेट होगा या तो माइनस वाला वायलेट होगा, हम लोग देखेंगे कौन सा वायलेट है। यहाँ पे माइनस फाइव प्लस के माइनस के केस में ले रहे हैं तो ये दो है वायलेट है, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अगर माइनस के केस में लेंगे तो ये वायलेट नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर ये जो है सही निकलेगा और ये जो है गलत निकलेगा, क्योंकि माइनस 5.5 इक्वल टू प्लस 0.5 ये नहीं हो सकता। हमारा जो मिस्टेक था इस पॉइंट में था, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिया था फर्स्ट केस में। तो आपको पता चल गया होगा 2+2 इक्वल टू 5 नहीं बल्कि 4 ही होता है, और मैंने यहाँ पे एक दो स्टेप में मिस्टेक किया था, उसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ गया था, 2+2 इक्वल टू 5 आ गया था, ठीक है। अगर मेरे इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नया ट्रिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।